अलकनंदा कॉलोनी में चोरों ने दिखाया हुनर, हजारों के माल पर किया हाथ साफ, सुने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं, दिन दहाड़े चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने अलकनंदा कॉलोनी के रहने वाले वकील अहमद पुत्र मोहम्मद हनीफ के मकान में बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वकील अहमद ने बताया कि वह दरगाह बाजार अपनी भांजी की शादी में गए थे, इसी दौरान चोरों ने उनके घर में ताले तोड़कर 85,000 रुपये कैश, 2 कान के टॉप्स, 3 कान की बाली और 200 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट लेकर चलते बने। चोरों द्वारा ले गए माल की कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई जा रही है। तो जैसे उसको भतीजे को भिजाया, भतीजे ने आकर के देखा तो ये तीनों गेट यहाँ के खुले पड़े हुए बिल्कुल, और सामान पूरा गुजरा हुआ और उसमें चोरी हुई थी। फिर इधर से इधर भागते हुए इन्होंने इधर आया कि इधर तो कहीं चोरी नहीं हुई। जितने हमारी भाभी ने हमारे को फ़ोन करके इतना दी कि तुम फटाफट आओ, अपने घर में ना चोरी हो गई है। अब चोरी हो गई तो हम जैसे यहाँ से आकर के देखा तो देखा सारा माल, बाकी इन्हों में किसी में कुछ भी नहीं हुआ। इनका भैया छोटे वाले भाई का ताला जो है मुड़ा हुआ था वो टूटा, उन्होंने मतलब सारी कोशिशें करी कि मतलब तीनों मकानों में अपने को चोरी करनी है, लेकिन कोई ऐसा टाइम हो गया कि अपनी गाड़ी की कोई आवाज़ सुन ली उन्होंने आते समय, फोर व्हीलर में आ रहे थे जो, तो इस चक्कर में वो शायद या तो भाग गए या उससे पहले उन्होंने चोरी करी। फुटेज वगैरह आया है? हाँ, वो भी बताओ। मूवी हमने बना ली थी उसी टाइम मोबाइल के ऊपर, वो है हमारे पास सीसीटीवी कैमरे में, और पास में हमारे क्या सीसीटीवी कैमरा है, तो उन्होंने हमारे को बताया कि थोड़ी सी 1-1.5 के बीच में एक एक्टिवा आई थी, उसके बाद में जो है ना 1.25 घंटे बाद में 2 एक्टिवा नहीं और उसके साथ में लगकर के 3 एक्टिवा सेकंड गली से मूर्ति भी उधर गई है, जहाँ से आई वापस वो वहीं से ही गई है। क्या क्या माल गया आपका? माल के अंदर सर 85,000 रुपये कैश पड़े थे, उसमें से करीबन 50-55,000 रुपये तो हमारे भाई साहब का मकान का काम के लिए, यहाँ पे काम चल रहा मकान का तो उन्होंने रखवा रखे थे, मजदूर वजदूर को देने के हिसाब से क्या भाई ये वापस अपन खिड़की दरवाजे बनवा के लाए तो उनको दे देंगे। और सोने और उसके अलावा मैं मेरी सिस्टर से थोड़े बहुत पैसे थे जो उससे उनसे वो ले रखे थे, तो ऐसे टोटल करकुरा करके मतलब 85,000 रुपये तो कैश था। सोने के अंदर 2 जोड़ी कान के झेले थे वाइफ के, और छोटी छोटी 3 बालियाँ थी, ये सोने का तो ये आइटम है। और चांदी के अंदर 0.5 किलो की मेरी वाइफ की पाइजर, 200 ग्राम का मेरा खुद का ब्रेसलेट था, 4 चांदी की अंगूठियाँ, और जो पुरानी रफली छोटे छोटे बच्चों के कड़े होते हैं पुरानी रफली 0.25 किलो वो चांदी। करीबन कितने लाख रुपए? करीबन ये देख लो आप 1.5-2 लाख रुपए का माल है सारा।